दोस्तों, जो मैथ कैलकुलेशन वाला ऐप है वो वर्क कर रहा है बहुत ही कमाल। इसमें ना सिर्फ आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, बल्कि आप काफ़ी इसमें हार्ड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ तीन बहुत ही यूज़फुल और कमाल एप्लीकेशंस। दोस्तों, ये जो तीनों ऐप्स मैं आपके लिए लाया हूँ ये हैं बहुत ही कमाल, और इनकी जो रेटिंग है वो प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा है, और ये ऐप बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं तो आप अपने मैथ्स का कोई भी कैलकुलेशन कर लेंगे। फर्स्ट ऐप का फंक्शन ये है, और जो सेकेंड और थर्ड ऐप हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए यूज़फुल होने जा रहे हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल पर, और वहाँ मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको मैथ्स वाली ऐप कैलकुलेटर जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। आप इसे ओपन करेंगे, अकाउंट वगैरह बनाने के बाद ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। तो आप यहाँ पे राइट करके भी कुछ इसे बता सकते हैं, जिस तरह 2 × 3, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट इसे कर लेगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने स्कैन कुछ करना हो, तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन लिखी है, जिस तरह ये वाली मैं स्कैन करता हूँ, आपने इसे यहाँ स्क्रीन में ला के और बटन प्रेस कर देना है। ये खुद ब खुद थोड़ी देर बाद स्कैन करेगी। इसके लिए आपको नेट होना आपके पास ज़रूरी है। जिस तरह आप इसने आइडेंटिफाई कर लिया 6 × 8 था, और आंसर बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आया। चलिए हम एक और करके देखते हैं कि ये सही काम करेगा या नहीं कर रही। तो यहाँ पर दूसरी ये वाली है, तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अब सही बता रही है या नहीं। तो अब इसे फिर ये स्कैन करेगी और देखते हैं कि ये सही बताती है या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसने आइडेंटिफाई सही कर लिया, 2 × 4, और आंसर 8 बिल्कुल सही आया। ये तो थी इजी सी इक्वेशन। अब हम बहुत मुश्किल से एक इक्वेशन इसे देते हैं, तो यहाँ मैंने एक और लिखी हुई, अब हम ये वाली स्कैन करके दिखाते हैं कि देखते हैं कि ये सही आइडेंटिफाई कर लेता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आइडेंटिफाई इसने किया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर ली है, जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी बिल्कुल वही है, और यहाँ नीचे इसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगली एप्लीकेशन है वो है मोशन स्किल। आप जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। आपने वीडियो पे स्टार्ट कर देनी है यहाँ से, और कोई भी मूवमेंट जिस तरह ये मैंने किया है तो आपने करवा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो बिल्कुल उसका ये फंक्शन है कि आपको जो मोशन है वो बार बार दिखाती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी ऐप है। तो दोस्तों, बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।